हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सृष्टि क्रिएटिव आइडिया चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने यहाँ पर तीन पॉट रखे हैं, तीनों में एक ही वैरायटी के प्लांट है। यह है ड्रेसिना फैमिली का प्लांट। तो आज मैं इसी की रिपोर्टिंग केयर टिप्स आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, मेरे पास ये काफ़ी सारे प्लांट हैं, आज मैं इनकी रिपोर्टिंग कर रही हूँ क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। मॉर्निंग से अभी तक आई थिंक आफ्टरनून हो चुका है और अभी तक हमारे यहाँ बारिश पड़ रही है हल्की हल्की सी, तो इस टाइम में रिपोर्टिंग करना बहुत अच्छा होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा प्लांट जिसको लगभग अभी से कटिंग से हमने ग्रो किया था। ये लगभग इसको 7 से 8 महीने हो चुके हैं जब हमने कटिंग लगाई थी और ये आराम से ग्रो कर चुका है। तो देखिए, एक छोटी सी बोतल है पेप्सी वगैरह की, फ्रूटी वगैरह की। तो अब मैं इसे बड़ा पॉट जो है वो देने वाली हूँ, प्रोवाइड करने वाली हूँ, क्योंकि जितना बड़ा हमारा प्लांट होता है उतनी बड़ी उसे आप पॉट देनी चाहिए, तभी वो अच्छे से ग्रोथ करता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा DIY पॉट है जिसे मैंने खुद ही बनाया था। इसमें जो दूसरा प्लांट था वो हमने रिपोर्ट कर दिया है और इसमें देखिए काफ़ी अच्छे अंदर होल बने हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए, ठीक है, आप होल थोड़े बड़े भी बना सकते हो, इसमें थोड़े छोटे बने हैं, मैं बाद में इसमें बड़े होल बना दूंगी। तो होल को कवर करने के लिए आप सूखी ड्राई लीव्स जो होती हैं वो ले सकते हो, इस टाइप का कोई पुराना कपड़ा ले सकते हो, या छोटे पत्थर के टुकड़े हों, ईंट पत्थर के टुकड़े हों वो ले सकते हो। मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ये मेरे गार्डन के ही ईंटें वगैरह के टुकड़े हैं वो ले सकते हो। तो ऐसी कोई भी चीज़ आप रख सकते हो जो नीचे हमारे पॉट में मिट्टी ना निकले, मिट्टी का वेस्ट होने से बचाए और होल को कवर करके रखे। तो काफ़ी सारे पॉट मैं आज चेंज कर चुकी हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी में से देखिए कुछ प्लांट की जो कटिंग है वो मैंने लगाई है और कटाई छटाई करने के बाद ये वेस्ट जो जड़े हैं इनको भी मैं नीचे डाल देती हूँ। इससे क्या होगा कि पॉट हमारा काफ़ी हल्का बनेगा। तो मैं अपने प्लांट को बाहर निकाल लेती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। पहले इसकी मिट्टी का रेशियो मैं बता देती हूँ। मिट्टी देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको दिख रहा होगा सैंड की मात्रा, सैंड इसमें ज़्यादा है, लगभग 30% के करीब मैंने इसमें सैंड लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, और 50% के करीब हम इसमें अपनी गार्डन की सॉइल लेंगे, नॉर्मल सॉइल जो होती है, आपके पास कैसी भी सॉइल हो आपके एरिया में वही सॉइल लेना है। और बाकी हिस्सा जो बचा 10% या 50% जो भी बचा, उसमें में हम लेंगे अपना कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद जो भी आपके पास हो। तो ये मेरी होममेड जो हमारा किचन वेस्ट होता है उससे मैंने खाद जो बनाई है, कंपोस्ट जो तैयार किया है, ये वो है। तो इन सबको मिक्स करके एक अच्छा सा पॉटिंग मिक्स बना लेना है आपको और अपने पॉट में फिल करना है। तो मैं भी पॉट में फिल कर लेती हूँ और उसके बाद अपना प्लांट निकाल के इसमें सेट करके फिर आपको इसकी केयर और टिप्स मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको अपना प्लांट दिखाऊं, कटिंग से ग्रो किया था उसके बाद भी इसकी रूट जो है वो बहुत अच्छी बनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो रेशियो मैंने बताया है वही रेशियो मैंने बना लिया है, मिक्स कर लिया है और मैं अब इसमें प्लांट को सेट कर लेती हूँ। फिर ऊपर से हम कुछ चीज़ें इसमें ऐड करेंगे, वो मैं आपको दिखाऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने प्लांट इसमें अपना लगा लिया है और अभी पूरी तरह से मिट्टी फिल नहीं की है क्योंकि हम इसमें थोड़ा सा कुछ और ऊपर से ऐड करेंगे। तो ये है मेरी सरसों की खली, नीम की खली, सरसों की खली, आप कुछ भी डाल सकते हो। एक मुट्ठी मैंने डाला है, ये फंगस वगैरह से, कीड़े मकोड़े से बचाएगा। और मैंने आधी मुट्ठी, एक 1 स्पून समझ लीजिए, वो मैंने एप्सम सॉल्ट डाला है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब डालना बहुत ज़रूरी है, इससे हमारा प्लांट सर्वाइव कर जाएगा आराम से। ठीक है, और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और उसके ऊपर मिक्स करने के बाद ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी और इसमें फिल कर देती हूँ। और इसके बाद फ्रेंड्स, मैं इसमें डालूँगी 1/2 स्पून के करीब अपना NPK। ठीक है फ्रेंड्स, ये काफ़ी टाइट हो गया है तो मैं इसे अपने हैंड से ही बाहर निकाल लेती हूँ। ये देखिए, NPK 1919 है मेरे पास। DAP वगैरह हो तो आप वो सब भी डाल सकते हो, बट DAP जो है वो फ्लावरिंग प्लांट में डालते हैं, इसमें फ्लावर तो आते नहीं है, फिर भी अगर आपका मन हो तो आप डाल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए, इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ठीक है, और बस इसके ऊपर अपनी मिट्टी फिल कर देंगे और प्लांट को अच्छे से सेट कर देंगे दबा दबा के। तो ड्रेसिना फैमिली के जो प्लांट होते हैं वो इंडोर प्लांट है, परमानेंट प्लांट है, एक बार ले लीजिए और सालों साल आपके गार्डन में बने रहते हैं और बहुत अच्छी ये लीव्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इंडोर प्लांट है, इनमें फ्लावर तो आते नहीं हैं बट इनकी लीव्स बहुत अच्छी लगती है। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं इनकी वाटरिंग की बात करूँ तो वाटर इनको बहुत कम चाहिए क्योंकि इंडोर प्लांट है, सन में तो हम इनको रखते नहीं हैं, तो अगर सन में रखेंगे तो बहुत जल्दी मिट्टी सूख जाती है। ठीक है, इंडोर प्लांट की मिट्टी नहीं सूखती है, तो इसीलिए उनकी पानी की रिक्वायरमेंट जो है वो थोड़ी कम है। तो आप इनमें मिट्टी चेक करके पानी डालना, जब इनकी मिट्टी ऊपर से सूख जाए तभी आपको वाटरिंग करनी है, चाहे वो 1 दिन के बाद हो या 10 दिन के बाद हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने भी इसमें वाटरिंग कर दी है, सेकेंड टाइम वाटरिंग जब भी करेंगे जब इसकी मिट्टी ऊपर से सूख जाएगी। सर्दियों में इसको पानी की ज़रूरत बहुत कम होती है, कम से कम 10-12 दिन में एक बार भी डालोगे तो भी आराम से चलेगा। गर्मियों में आप मिट्टी चेक करके डालना। ठीक है फ्रेंड्स, धूप की अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल धूप नहीं चाहिए,
कुछ जगह मैंने देखा है कि ये टेरेस पर भी आराम से चल जाते हैं, किसी शेड वाली जगह पे, जैसे कि कोई बड़ा सा प्लांट हो, बड़ा सा ट्री हो, उसके नीचे रख दो तो ये आराम से चलता है, मतलब कि इनको डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए। ठीक है, खाद की बात करूँ तो कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, ये सब आप महीने में एक बार डालना। ठीक है, और लिक्विड फर्टिलाइज़र में आप इसमें 20 से 25 दिन का गैप देकर, जितने भी मेरे चैनल पर है जाकर देख लेना, बहुत सारे लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने बताए हैं, वो सब आप इसमें ऐड कर सकते हो, और ये बहुत अच्छी लीव्स जो है वो प्रोवाइड करेगा हमें, इसकी लीव्स में ही ब्यूटी है। ठीक है फ्रेंड्स, और प्रोपोगेशन की मैंने बात आपको बताई दी है, या तो आप प्लांट ले लीजिए या फिर कटिंग से ग्रो कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है ये मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था, और जितने भी प्लांट मैंने दिखाए हैं उसमें से लगभग चार हैं वहाँ पर, तो उसमें से लगभग दो प्लांट जो मैंने येल्लो वाले पॉट में आपको दिखाए थे, वो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। येल्लो वाले पॉट में जो प्लांट लगे हैं वो कटिंग से ही ग्रो किए हैं हमने, और वो साइड वाले जो उसमें लगे हैं वो हमने बाय किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आपको भी इसी तरह से इसको ग्रो करना है, और अभी मैं इसको बिल्कुल ऐसी जगह रख दूँगी जहाँ ज़रा सी भी इस पर सनलाइट ना पड़े। ठीक है फ्रेंड्स, और जब मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ इस पे ग्रोथ चल रही है या ये ग्रोथ पर आ गया है, तो मैं इसे धीरे धीरे किसी बड़े से ट्री के नीचे रख दूँगी, या फिर थोड़ी सी सेमी लाइट में रख दूँगी जहाँ पर सूरज की किरणें हल्की सी पड़ जाए इस पर, क्योंकि फ्रेंड्स किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए सनलाइट बहुत ज़रूरी है। तो जो इंडोर प्लांट होते हैं आप उनको हफ्ते में एक दिन ज़रूर बाहर निकालिए, ऐसी जगह रखिए जहाँ उनको धूप मिल जाए, चाहे वो आप उसको 1 घंटे की धूप दे दीजिए या फिर उसको 5-6 घंटे की धूप दे दीजिए, धूप देना बहुत ज़रूरी है, हफ्ते में एक दिन ज़रूर देना इनको धूप। और अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये डोरमेंसी में चले जाते हैं दिसंबर में, दिसंबर के लास्ट वीक में मेरे यहाँ पर जितने भी इंडोर प्लांट है या परमानेंट प्लांट है वो अपनी सारी लीव्स गिरा देते हैं, और ये शो करते हैं कि अब हमारे आराम का टाइम है, अब हमें आराम करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये सारी लीव्स भी गिरा दे तो भी आपको इनको उखाड़ना नहीं है, कट नहीं करना, ऐसे ही छोड़ देना है, उस टाइम पे आप इनमें खाद पानी मत देना। ठीक है, जैसे ही स्प्रिंग आएगा तो ये अपनी ग्रोथ अपने आप दिखाते हैं, लीव्स आने लगती हैं, तो आप उस टाइम पर इनको वाटरिंग कीजिए, खाद वगैरह दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो खाद मैंने बताए हैं वो सब दीजिए, और जो मेरे चैनल पर हैं जाकर वहाँ देख लीजिए, बहुत सारे लिक्विड फर्टिलाइज़र बताए हैं वो सब आप दे सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप मैंने आपको सब कुछ बता दिया है और आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर मैं कुछ बताना भूल गई हूँ और आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट ज़रूर कर देना, मैं जवाब ज़रूर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सामने आपको ये पॉट दिख रहा होगा, ये मेरा रेन वाटर है, जो बारिश होती है मैंने उसमें इसको कलेक्ट किया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।